बच्चों, आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ संख्या 5, जिसका नाम है सच्ची लगन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कई वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों एवं नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए। अंत में उन्होंने पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे? यानी एक क्लास में टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को कई बहुत महापुरुषों के बारे में बता रहे थे, तो उनमें से उन्होंने कहीं वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों और नेताओं के अलग अलग किस्से कहानियाँ सुनाए और लास्ट में उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम भी बड़े होकर क्या बनोगे। तो इस पैराग्राफ के चैप्टर हैं, महापुरुष का मतलब है महान पुरुष, रोचक का मतलब मज़ेदार, प्रसंग का मतलब किस्से। अब सबसे पहले मनीष आगे बैठा था, तो मनीष सबसे आगे बैठा था, वह बोला, गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा, गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा, मेरा अपना दवाखाना होगा, मैं उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। अब मनीष सबसे आगे बैठा हुआ था, तो मनीष ने बोला, मनीष को पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो? तो वह बोला कि गुरुजी मैं तो पहले डॉक्टर बनूंगा, उसके बाद मैं गांव के जितने भी गरीब और बीमार व्यक्ति हैं मैं उन लोगों का इलाज करूंगा और मैं अपना एक अस्पताल भी खोलूंगा जिसमें मैं उन गरीब बच्चों का फ्री में इलाज करूंगा। गुरुजी यह सुनकर बड़ा खुश हुए, बोले, जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊँचे हैं, तुम जरूर देश की सेवा करोगे। गुरुजी ने ये जैसे सुना बहुत खुश हुए मनीष से और मनीष को बोला कि बेटा तुम जीते रहो, तुम्हारे ये जो विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम जरूर इस देश की सेवा करोगे। फिर उन्होंने सलीम से पूछा, तुम क्या बनोगे? सलीम ने कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं, वे कहते हैं आजकल हमारे देश को कल कारखानों की बड़ी ज़रूरत है, मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, कारखानों में काम करूंगा और देश को समृद्ध बनाऊंगा। यानी फिर उसके बाद गुरुजी ने सलीम से पूछा कि सलीम तुम क्या बनोगे? तो सलीम ने कहा, गुरुजी मैं इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं और वो कहते हैं कि आजकल हमारा देश है उसको बहुत सारी मशीनों की ज़रूरत है, तो मैं नई नई मशीनें बनाऊंगा और कारखानों में काम भी करूंगा और अपने देश को समृद्धशाली बनाऊंगा। फिर आगे गुरुजी ने कहा, शाबाश सलीम, तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे, तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि वेरी गुड बेटे, तुम जरूर एक दिन बहुत ही होशियार इंजीनियर बनोगे, तो तुम्हें मन लगा करके अपनी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे तुम इंजीनियर बन सकते हो। फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, बेटी तुम क्या बनोगी? पारुल शर्मा गई, धीरे से बोली, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाऊंगी। अब फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा कि बेटी भाई तुम क्या बनोगी? तो पारुल को शर्म आ गई और वो धीरे धीरे बोले, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी, टीचर बनूंगी और जो पढ़े लिखे नहीं हैं मैं उन्हें पढ़ाऊंगी। तो इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं, मुक्त का मतलब होता है बिना पैसे का और समृद्ध का मतलब अमीर। फिर आगे गुरुजी ने कहा, आज देश को अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं की बहुत ज़रूरत है, लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना अच्छा है, वे बहुत प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती हैं। जरूर बेटी तुम विद्या का दान देकर अच्छी नागरिक बना सकती हो। अब गुरुजी ने कहा कि आज देश को एक बहुत अच्छे शिक्षक और शिक्षिकाओं की ज़रूरत भी है
अब लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वे ही बच्चों को प्रेम और धीरज के साथ पढ़ा सकती हैं और विद्या का दान दे करके लोगों को अच्छा नागरिक बना सकती हैं। अंत में गुरुजी ने पूछा, वैभव तुम क्या बनोगे? पहले तो वैभव सोच में पड़ गया कि वह क्या कहे क्या ना कहे, फिर साहस करके बोला, गुरुजी मैं तो समाज सेवक बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो मंत्री बनूंगा और देश की तन मन से सेवा करूंगा, नहीं जीता फिर भी जनता की सेवा तो करूंगा ही। अब लास्ट में गुरुजी ने वैभव से पूछा कि भाई तुम क्या बनोगे, तो वैभव थोड़ा सोच में पड़ गया और वो सोचने लगा कि मैं गुरुजी को क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। फिर उसने लास्ट में डिसाइड करके बोला कि भाई मैं तो समाज सेवक बनूंगा, यानी समाज की सेवा करने वाला बनूंगा, अब लोगों की सेवा करूंगा, अगर जनता मुझे चाहेगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा और मैं अगर जीत गया तो जनता की सेवा करूंगा और मंत्री बन जाऊंगा और देश की भी तन और मन से सेवा करूंगा, और अगर मैं हार भी गया फिर भी मैं लोगों की सेवा तो करूंगा ही। गुरुजी ने वैभव की बात सुनकर बोले, तुम जरूर नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी कक्षा से कहा, जो लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। सच्ची लगन से मेहनत करने वालों की इच्छा अवश्य पूरी होती है। याद रखो कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब गुरुजी ने वैभव की बात सुनी और बोला कि तुम जरूर एक दिन नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी क्लास को एक साथ में कहा कि जो बच्चे या जो लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हैं और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं उन्हें जरूर सफलता मिलती है, और अगर आप सच्ची लगन से मेहनत करोगे तो आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। और एक बात और याद रखो कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर आप मेहनत करोगे तो आप अपने जीवन में जरूर सफल हो जाओगे।